हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, फाइनली एग्ज़ाम के जितने भी पेपर थे वो आ चुके हैं, उसके आंसर की भी आ चुकी है। पेपर का पैटर्न कैसा था वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले कट ऑफ निकाली थी उस पर भी चर्चा करेंगे। जो बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ निकाली, जो बहुत सारे लोगों ने कहा पेपर टफ था, सारा पेपर हम लोगों ने देख लिया है, चारों सेट मैंने देख लिया। उसके मैंने सारे डिटेल आपको दे रखे हैं, सबकी आंसर की ऑफिशियली मैंने आपको आंसर की भी बता रखी है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ अब टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप टेलीग्राम में जाकर DKS IAS अकेडमी सर्च करेंगे, आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी, आंसर की वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड मैंने करा दिया है, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे आपको मैं टेलीग्राम का आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जो वीडियो का एग्जाम हुआ उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखो, क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, ऑफिशियल आंसर की से ही इसके डिस्कस किया है, ठीक है। उसका देखो कट ऑफ कितना जाएगी, अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पेपर, आप मैं ऐसे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि मैं देखो पेपर सारे देखे हैं, इसका मॉड्यूल EA, FA, BA और AB। तो ये दोनों, ये वाला दोनों शिफ्ट शिफ्ट वन में आता है, मतलब शिफ्ट वन में ये आया था, शिफ्ट टू में ये आया था 22 तारीख को। उसके बाद 23 तारीख में शिफ्ट वन में ये आया था, ठीक है। शिफ्ट वन में ये वाला आया था, शिफ्ट टू में ये वाला आया था, ये 23 तारीख को आए थे। तो मैंने सबके एक एक मॉड्यूल उठा के सारे आंसर की मिला लिया है, सारे चेक कर लिए, पेपर का मॉड्यूल कैसा था, पैटर्न कैसा था, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं साक्ष के साथ बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा उसके हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, अनऑफिशियली नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने सारे पेपर देखे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका पूरा मॉड्यूल देखेंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितना कट ऑफ होना चाहिए था, ठीक है। अब कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले प्रिडिक्ट किया था, मैंने भी इसका प्रिडिक्शन किया था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया है, तो उससे नीचे बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है। तो आप इसको प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को आप देख लेते हैं कि कितनी सीटें थी। देखो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 1953 सीटें हैं, जिसमें BPO के लिए, पंचायत अधिकारी के लिए 1527 है, ग्राम पंचायत अधिकारी विकास अधिकारी के लिए, इसमें क्या BDO के लिए आपका 362 सीटें हैं, और समाज कल्याण की बात करें तो जो समाज कल्याण अधिकारी होते हैं उनके लिए 64 है। टोटल आप करेंगे तो इसका टोटल आपकी सीट हो जाती है आपकी 1953 सीटें, ठीक है। जो एग्जाम हुआ वो दो शिफ्ट में हुआ, आपको पता है 22 और 23 दिसंबर को हुआ। एक इसमें दो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, इसमें भी दो शिफ्ट हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितना आप अटेम्प्ट किए हो तो ज़्यादा बेटर रहता। देखो मेरे हिसाब से समझदार व्यक्ति वही है जिसने कम अटेम्प्ट किया होगा और उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रखी होगी, मतलब जिसने 90+ परसेंट एक्यूरेसी रखी होगी, मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ जिसने सॉल्व किया होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो अगर आपने हिंदी बहुत ही ईजी था वैसे, अगर आपने 35 से 40% अटैम्प्ट किए होंगे तो ये मान के चलिए आपने बहुत बढ़िया किया है। रीजनिंग में मानता थोड़ी लेंदी थी, तो रीजनिंग आप मैक्सिमम 35 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना चाहिए था, आपको ये प्लान करके रखना चाहिए था। और जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको 35 से 30 क्वेश्चन ही क्या करना था, इसमें अटैम्प्ट करना था, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता है। देखो जनरल नॉलेज में आपको पता, या तो पता है या तो नहीं पता है, अब इसमें तुक्का लगाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीजनिंग में भी यही हो जाता है, हिंदी में थोड़ा बहुत तुक्का आप लगा सकते हो, गेस लगा सकते हो, बट इन दोनों में आपको तुक्का लगाना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 100 से लेकर 105 के बीच में अगर अटेम्प्ट किया होगा, अगर कटने कटाने के बाद आप क्या आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप कंफर्ट जोन में हैं। अभी हम कट ऑफ की बात भी करेंगे। देखो अगर किसी ने, ऐसा भी हो सकता है किसी ने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, ठीक है, 130 क्वेश्चन में उसके 20 गलत हो गए हो, 110 सही हुए होंगे, तो बड़ा खुश हो गया मेरे 110 का सही हो गए। लेकिन आप भाई साहब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि देखो इस पर जो निगेटिव मार्किंग था ना वो 50% था। आप ये सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये है, कोई भी एग्जाम में 50% निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पहला एग्जाम था जिसमें 50% 1/2 निगेटिव मार्किंग थी, नहीं तो 1/3 होता है। इसमें क्या था, 1/2 था, मतलब क्या था कि आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका एक सही क्वेश्चन कटता था, तो इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन माइनस वाला एक घटा दिया, इससे क्या होगा कट ऑफ और नीचे जाएगी, जो इससे आपके नेगेटिव चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सपोज करो आपने अगर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आपने उसमें जब आंसर की मिला ली तो आपके 110 सही हो रहे हैं और 20 क्वेश्चन गलत हो गए, इसका मतलब हो गया 10 क्वेश्चन आपके इसमें घट जाएंगे। 10 क्वेश्चन घटने का मतलब ये हो गया कि आपके 100 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे। ये बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा, बहुत मुझे मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोगों का 20 से ऊपर ही जाएगा निगेटिव, मतलब गलत होंगे। तो आप ये मान के चलिए जिनका 20 से ऊपर चला गया तो उनका हालत तो और बुरा हो जाएगा। तो आप पहले तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर रखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इससे नीचे जा रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ दे है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि किसका कौन सा कट ऑफ जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो हिंदी इजी थी, ठीक है, हिंदी में अगर आप 35-40 कर रहे थे तो बेस्ट था। रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी, इसलिए आपको 35 से 40 क्वेश्चन तक ही जाना था, 30-35 से। जनरल नॉलेज की बात करें तो मैक्सिमम आप 30 तक कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये आपको लिमिट यहाँ तक जाना चाहिए था, और इसी को 2-3 बार आपको चेक कर लेते तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉबिलिटी जो होती सिलेक्शन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पेपर देख लिया कि क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए था, कितने टोटल वैकेंसीज हमने देख लिया कि कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए थी। देखो टोटल वैकेंसीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक, पेपर मैंने अपने ऑफिशियल की भी मैंने आंसर की मिला ली है, मैंने सारे पेपर देख लिए, चारों शिफ्ट के भी देख लिया है। ठीक है, अब देखो कट ऑफ कितनी चाहिए जानी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मेरा जनरल के व्यूज़ ये है कि जनरल का जो कट ऑफ जाना चाहिए मैक्सिमम आपके, ये मान के चलो कि आप 190 से 200 के बीच ये कट ऑफ होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप 90, 95 या 100 के क्वेश्चन के आसपास करके आ रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आप 95 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं सब काटने पीटने के बाद, तो ये मान के चलिए कि आपके चांसेस जो है हायर चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखो कट ऑफ ही निकाले क्योंकि देखो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 150 क्वेश्चन आया था, 150 क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया 300 नंबर के। अगर आपके 300 में से 200 आ रहे हैं तो ये मान के चलिए जनरल से, तो आप ये मान के चलिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आप ओबीसी की बात करें तो अगर ओबीसी में 180 से 190 आ रहे हैं, अगर मतलब 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं। ठीक है, मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, टोटल नंबर भी लिख रखे हैं। एससी की बात करें तो एससी में 170 से 180 के बीच अगर आप आ रहे हैं तो इसका मान के चलिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं, आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 100% के आसपास आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एससी की बात करें तो 150 से 160 के बीच में जानी चाहिए, इसमें लगभग आपने 75 क्वेश्चन से ऊपर सही किए हैं, तो आप मान के चलिए 75 क्वेश्चन से ऊपर का मतलब मेरा ये है कि कटने कटाने के बाद निगेटिव मार्किंग के बाद आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए अलग से बात करें तो इसके 185 से 195 होने चाहिए। गर्ल्स का मेरे हिसाब से कम 90 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए सब काटने पीटने के बाद। ठीक है, अब मैं टोटल देखो कट ऑफ इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये आपके अगर इतने आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप कंफर्ट जोन में हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मतलब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इससे भी नीचे जाएगी कट ऑफ। देखो दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, बट मैं आपको क्लियरली एक फंडा बताना चाह रहा हूँ जो मेरे हिसाब से है, आप उस चीज़ को समझिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। वो होता क्या है कि आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करना चालू कर देते हो, उससे पहले जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ उस पर एक बार खुद गहन अध्ययन करिएगा फिर आप सोचिएगा। ठीक है, देखो फैक्ट की बात करें तो टोटल वैकेंसीज कितनी है 1953। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि प्री होगा फिर मेंस होगा कि भैया प्री में हम 2000 के हिसाब से 10 अगर 20% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 40,000 लोगों को मेंस बुलाएंगे मेंस देने के लिए। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि पहले 40,000 लोगों को बुला लेते हैं मेंस देने के लिए उसके बाद जाके करते हैं, तब तो कट ऑफ मैं मानता कि 80 ही जाती, 80-90 कट ऑफ ही जाता। ठीक है, तब तो इसका कट ऑफ 80 से 90 क्वेश्चन जाता, मतलब 170-180 नंबर आपके आने पे आप क्या करते हैं मेंस आराम से लिख रहे होते हैं। लेकिन इनको मेंस नहीं लिखवाना है आपसे, आप ये सोचो कि बस 2000 पोस्ट है तो इनको 2000 लोगों को ही बस क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, 1954 भी नहीं करना है इनको, आपको 1953 लोगों को ही बुलाएंगे ये, ना ही 1954 लोगों को भी नहीं बुलाएंगे। तो आप ये एक चीज़ समझिए कि जितनी सीटी है उतने लोग ही क्वालिफाई होंगे, उससे ना एक ज़्यादा एक ना कम। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, आप ये मत सोचिए कि पहले प्री हो गया इसके बाद मेंस होगा, मेंस वगैरह कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ये, तो इसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो ये कट ऑफ होने चाहिए, जो मेरी कैलकुलेट कट ऑफ है मैंने पेपर देखने के बाद ये फाइनली किया। इससे पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया था, रीज़न यह था कि मेरे को पेपर नहीं पता था पूरी तरह। ठीक है, जो लोगों ने क्वेश्चन बताया उस हिसाब से मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था, बट ये फाइनली मैंने पेपर एनालिसिस किया है, सारे पेपर चारों सेट देखे हैं। ठीक है, चारों सेट के बाद कुछ देखो पेपर वन का जो पहला मतलब जो पहला पेपर हुआ था 22 तारीख को शिफ्ट वन में, तो वो थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ठीक था। उसका जो पेपर टू हुआ तो उसमें थोड़ा सा लेवल कम था, फिर अगले दिन जो पेपर पहला हुआ उसमें भी टफ था, फिर अगले वाला पेपर थोड़ा इजी हो गया, तो उन्होंने इजी टफ खेला। ठीक है, लेकिन हिंदी देखो इजी थी, रीजनिंग आपकी थोड़ी सी लेंदी थी, और रीजनिंग जीके में आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं थी। तो आपका मैं मान के चल रहा था कि आपने अगर हिंदी में 40 किए होंगे, रीजनिंग में 30 किए होंगे, जीएस में भी 30 किए होंगे, तो आपके 100 नंबर से ऊपर 6 क्वेश्चन से ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, तो बल देखो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये प्रिडिक्शन है, और आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से देखो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं लास्ट में जाते थे बोल रहा हूँ कि आपको देखो यहाँ पे मैं सारी टेलीग्राम पे आंसर की इसका सारे डाल दिया है मैंने, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप जाइए वहाँ से आंसर की आप आराम से अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन बुकलेट भी डाल रखा है, अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट भी नहीं है तब भी आप क्या करिए वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपने जो आपको एक आंसर की ओएमआर आंसर शीट मिला होगा इसमें, ठीक है, इसमें आपको एक ओएमआर आंसर शीट मिला होगा जिसको आपने लास्ट में एग्जाम हॉल के बाद आपको अलग से मिल गया होगा, तो आप उससे क्या उसको कैंडिडेट कॉपी बोलते हैं एक्चुअल में, तो आप उसको क्या कर रहे हैं उससे जाके अपना आंसर की मैच करा लीजिए। मैं टेलीग्राम के चैनल में आंसर की डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको वहाँ से आंसर की मिल जाएगा, तो प्लीज़ आपका जो भी मॉडल हो आप वहाँ से प्लीज़ आंसर की लीजिए और अपना आंसर की मैच करा लीजिए कि आपका कौन कौन से सही हो रहे। तो मैं देखो सारे आंसर की डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एफ ए से लेके पूरा एफ जेड तक जितने भी मतलब एफ बी एफ सी करके जितने भी है सारे सेट सारे के सारे आपका आंसर की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, सेल टेलीग्राम चैनल में सारे के सारे एक करके डाल दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखो कट ऑफ इतने के आसपास ही जाने वाली है, आप देखो दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप अगर मैं कम करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा किसी ने तो कम बताया, लेकिन देखो वो तो हो गया अपने दिल को बहलाने वाली बात। जो देखो कट ऑफ जाने वाली है मैंने आपको फैक्चुअल ए टू जेड बता दिया कि देखो इससे कम नहीं जाने वाली है, तो देखो खुद को तसल्ली देकर कोई फायदा नहीं है दोस्तों, अगर नहीं हो रहा है तो अगले साल की तैयारी पर लग जाइए।
या अगले साल की वीडियो की तैयारी करेंगे। अभी आरओ का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, आरओ के लिए नोटिफिकेशन आने वाली है, यूपी पीसीएस के भी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो देखो तीन तीन नौकरी आपको आने वाली है, आरओ भी आने वाला है, पीसीएस भी आने वाला है, फिर से अगले साल की वीडियो के लिए लग जाइए आप, समझ रहे हैं। तो आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो अभी से लगिए, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करिए, उसके साथ साथ आप लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।